दोस्तों, मौसम विभाग ने अभी अभी जारी किया है रेड अलर्ट। इन राज्यों के लोग सावधान रहे, आ रहा है भयानक तूफान। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात महा एक बार फिर से भारत की ओर वापस लौट रहा है, जिसके चलते झमाझम बारिश के साथ ही चक्रवात भयानक साबित हो सकता है। और इस वजह से देश के राज्य गुजरात समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व अंडमान निकोबार में भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसीलिए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। उसने मछुआरों को भी वार्निंग दी है कि वो समंदर की ओर ना जाएं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्रिक तमिलनाडु, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा गुजरात, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर में कई कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, गुजरात में एक दो स्थानों पर गरज और हवाओं के साथ बारिश के आसार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हवा घूमकर चक्रवात की तरफ जाने लगेगी, जिससे समुद्र की ओर से धरती पर नमी बढ़ेगी। इससे बादलों में टकराव की स्थिति पैदा होती है, जो गरज चमक और बिजली गिरने या चमकने का कारण बनता है। इस दौरान बारिश भी होती है। आपको बता दें, तूफान 3-4 दिन में गुजरात पहुंच सकता है, इसीलिए गुजरात से सटे उज्जैन, इंदौर एवं इनसे सटे भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर में इसका प्रभाव रहेगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण और भारी धुंध से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को सोमवार को मौसम ने राहत दी है। शनिवार शाम को दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। इससे वायु प्रदूषण और स्मॉग से जल्द राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार वातावरण में घुले प्रदूषित तत्व बारिश के पानी में मिलकर नीचे आ जाएंगे, साथ ही तेज हवाएं धुंध हटाने में मदद करेंगी।